Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का डीएम ऑफिस एक ऐसा ऑफिस बन चुका है जहां पर गंदगी का नामो निशान तक नहीं, और इसकी वजह भी बड़ी अनोखी है। जिला गाजियाबाद के डीएम ऑफिस में सफाई करने वाला कोई और नहीं, खुद वहां के अधिकारी हैं। स्वच्छता अभियान को लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अभियान राजघाट के प्राचीर से शुरू किया। 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, जो आज लोगों के रग रग में बसने लगा है। दिल्ली के राजघाट से चलकर यह अभियान गांव-गांव तक पहुंच गया। स्वच्छता आजादी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। गाजियाबाद में एक शख्स जो मोदी जी के इस अभियान से इतना प्रभावित हुआ कि आज वह खुद ही अपना ऑफिस साफ करते हैं, वह शख्स कोई आम नहीं, गाजियाबाद के डीएम साहब हैं। वह अपना ऑफिस खुद ही साफ करते हैं, और तो और यहाँ के सभी अधिकारी स्वयं ही अपना ऑफिस साफ करते हैं। जी हाँ, यह सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सच है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का डीएम कार्यालय एकमात्र ऐसा कार्यालय है जहाँ पर डीएम, एसडीएम और सभी कर्मचारी अपना ऑफिस स्वयं साफ करते हैं। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सभी अधिकारी अपने कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं और अपने ऑफिस की सफाई कर रहे हैं। जरा इस पोस्टर को तो देखिए, इस पर लिखा है निवेदन, इस कमरे की सफाई मेरे द्वारा स्वयं की जाती है, कृपया इसको अनावश्यक रूप से गंदा करके मेरे कार्य के बोझ को ना बढ़ाएं। आज्ञा से जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे, IAS गाजियाबाद। न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ मिशन का ऐसा जादू चल रहा है कि सभी अधिकारी इसमें रंगे हुए हैं, और देश को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे पहले अपने ही ऑफिस से शुरुआत की है। तस्वीरें सुबह 9:15 की हैं, जब डीएम अजय शंकर पांडे अपने ऑफिस पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अपने ऑफिस की सफाई करना शुरू किया। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे का कहना है कि हमें अपने ऑफिस की सफाई स्वयं करनी चाहिए, और जब से मैंने ऐसा करना शुरू किया है, मुझे देखकर लगभग सभी अधिकारियों ने अपने आप ही इस काम को करना शुरू कर दिया है। कि मैं ऑफिस अपने 10 मिनट पहले पहुंच करके अपने कमरे की साफ सफाई स्वयं करता हूं, और जब मैं नगर आयुक्त था तब भी मैं साफ सफाई स्वयं सुनिश्चित किया करता था। जिस भी मैं कार्यालय में रहा हूं वहां मैं अपने कमरे की सफाई स्वयं करता हूं। तो मुझे प्रसन्नता है कि हमारे कलेक्ट्रेट के जो हमारे अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी इस प्रैक्टिस को स्वीकार कर लिया है, और वो भी स्वेच्छा से, उनको ना तो कोई आदेश दिया गया ना मेरी ओर से कोई निर्देश दिया गया, पूरी तरह से स्वैच्छिक है। और वो मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि उन्होंने भी अपने अपने कमरे में कार्यालय समय से पहले पहुंच करके साफ सफाई करने का काम किया है। ये सभी हमारे कर्मचारी अधिकारी बधाई के पात्र। इस तरह जो लोग भी डीएम कार्यालय में आते हैं उन सभी को एक अच्छा संदेश जाता है कि हमें अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए अपने आप सफाई करना जरूरी होता है। यहाँ क्योंकि कलेक्ट्रेट एक ऐसा कार्यालय होता है जहाँ पूरे जिले के लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ अगर वो देखेंगे कि इतने वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय समय से पहले पहुंचकर अपने कमरे को स्वयं स्वच्छ रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भी प्रेरित होंगे और वो भी साफ सफाई में अपना योगदान देंगे। बहरहाल, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कदम से कदम मिलाकर गाजियाबाद के डीएम और सभी अधिकारी भी ताल ठोक रहे हैं, जिससे आने वाले समय में गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छा मैसेज मिले। मैं भी जैसे डीएम साहब अपना सफाई करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, हम सब लोग भी, मैं भी और हमारे कर्मचारी, तमाम कलेक्ट्रेट के सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं अपने अपने कार्यालय की, और कोशिश करते हैं कि बाहर तक की भी सफाई की जाए, करें और करते भी हैं। इससे तो मीडिया पब्लिक में भी बहुत अच्छा संदेश पहुँचता है, और पब्लिक जो है ना इससे प्रेरित होती है, पब्लिक इससे आके खुश होती है और हमारे काम को सराहती है और देखती है। वहीं हमने डीएम कार्यालय के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने डीएम साहब को खुद अपने कमरे में झाड़ू लगाते हुए देखा है, फिर हमें भी महसूस हुआ क्यों ना हमें भी डीएम साहब से प्रेरणा लेते हुए अपने ऑफिस की खुद ही सफाई करनी चाहिए। आज हम रोजाना अपने ऑफिस की खुद ही सफाई करते हैं।